कितनी हरियाली है। और आज का जो वेदर है ना एकदम मस्त है भाई, एकदम इतना डेंजरस हो रखा है, इतना खतरनाक है ना कि हम MT यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं और देखें कैसा है यहाँ का कैंपस। बट कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकें। क्योंकि देख सकते हो MT यूनिवर्सिटी की खूबसूरती, यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे फूल गिरे हुए हैं। और हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए वीडियो के साथ। गाइस मैं हूं अभी जो है MET यूनिवर्सिटी में बैठा, आज जो है सुनील भाई के साथ बैठा हूं। ये जो है दिल्ली से आए हुए हैं, और दिल्ली से आए इनको 15-20 दिन हो गया, और काफ़ी दिन से मुलाकात करना था बट आ नहीं पा रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट आज जो है टाइम मिल गया था कल रात को, तो हम चले आए थे। और आप लोग देख सकते हो अभी जो है हॉस्टल में बैठे हुए हैं MET यूनिवर्सिटी के। और अभी चलते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे MET यूनिवर्सिटी कैसी है। और थोड़ी देर में हमें निकलना भी है क्योंकि हमें ड्यूटी भी जाना है 9 बजे, और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए अभी थोड़ी देर में, तो चलिए मिलते हैं अभी। ये है हॉस्टल और बिल्कुल खाली पड़ा है क्योंकि अभी आज 1 जुलाई है तो लोग अभी बहुत कम हैं। चलिए अभी बाहर से भी दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस ये देखो, ये है पूरी यूनिवर्सिटी का कैंपस। अभी आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा है। अभी ये देख सकते हो आगे जो ये ग्राउंड प्लेग्राउंड है यहाँ का। और चलिए अभी आगे दिखाते हैं, ये है कैंपस पूरा। तो गाइस ये है MET यूनिवर्सिटी का कैंपस, आप देख सकते हो ये कितना अच्छा जो है लग रहा है। और अभी चलिए आगे से और भी दिखाते हैं आप लोगों को। Keep the campus clean and green। यहाँ पे है कैंटीन और खाना वाना यहाँ पे मिलता है। कल रात में हमने खाना यहीं पे खाया था और बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए जो वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं क्या सोचें लोग। अभी सुनील भाई चल रहे हैं आगे आगे और हम इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं गाइस। तो चलिए आज घुमाते हैं। इधर हॉस्टल है, तो गाइस इधर जो है पूरा हॉस्टल है, इधर से आप देख सकते हो इधर से इधर तक का पूरा हॉस्टल है। और इधर जो है कॉलेज है, कॉलेज काफ़ी बड़ा है। काफ़ी टाइम से हम लखनऊ रह रहे थे बट बड़ा मन करता था कि हम MT यूनिवर्सिटी के अंदर जाएँ और देखें कैसा है यहाँ का कैंपस। बट कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकें, क्योंकि यहाँ पे जो या तो पढ़ते हैं या कोई काम वगैरह करते हैं या कोई पास वगैरह मिलेगा तभी आप अंदर आ सकते हो, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन आज मौका मिल गया, सुनील भाई यहीं पर थे तो बोले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एंट्री वगैरह मिल जाएगी। तो हम निकल लिए इनके साथ। और ये देख सकते हो गाइस, ये है MET यूनिवर्सिटी का कैंपस और एक अलग ही लेवल का लग रहा है। लग रहा है कि हम इंडिया में है ही नहीं, लग रहा है हम बाहर कहीं आए हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा है कैंपस यहाँ का। देख सकते हो MET यूनिवर्सिटी की खूबसूरती, यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे फूल गिरे हुए हैं। और ये है पूरा MET यूनिवर्सिटी का कैंपस। और अभी चलिए आपको फ्रंट से दिखाते हैं कि कैसा है ये कैंपस, बहुत ही अच्छा है गाइस, एक नंबर है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी हरियाली है, और आज का जो वेदर है ना एकदम मस्त है भाई, एकदम इतना डेंजरस हो रखा है, इतना खतरनाक है ना। और चलिए ये देखो बकले वगैरह यहाँ पे हैं। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं और फ्रंट से दिखाते हैं आप लोगों को। हम हैं हजारों में। तो गाइस अभी जो है हम MT यूनिवर्सिटी के अंदर थे बट अभी हम जो आ चुके हैं बाहर, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मतलब अंदर से देखने में तो काफ़ी अच्छी, पढ़ाई वगैरह कैसी होती है अभी ये पढ़ने वाला ही बता सकता है। बट अभी जो है हम आ चुके हैं बाहर, अभी चलते हैं थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से क्योंकि ड्यूटी भी है हमारी 9 बजे से और हमें जाना है IMM यहाँ से। तो गाइस चलिए पहले हम
चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद जो है तो चाय अपनी मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से लेट भी पहुँच सकते थे अपने रूम पे, अपने साइड पे, बट पता क्या है, आज हम चाय भी उठा लाए हैं स्टोर की और सामान लेके जाना है बाराबंकी। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं, हम रैपिडो बुक कर लिए, रैपिडो आती है उसके साथ हम निकलते हैं, तो लेट ना हो जाए कहीं। अभी हमें 9:20 हो रहा है, लेट हो गया तो दिक्कत हो जानी है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं रैपिडो कितनी देर में आती है। ऑटो से जाता बट पता ये बोल रहे थे रैपिडो बुक कर लो, मैं सोचा रैपिडो ही बुक कर लूँ, पर देखा तो आ रहा था 130 रुपये और मुझे 40 रुपये लगेगा यार जाने में, टाइम बहुत था। पर अभी याद आया कि जहाँ ऑफिस की चाबी मेरे पास रह गई और 9 बजे से पहले ही काम है वो लोग यहाँ के बाराबंकी, वहाँ उसमें सामान रखा हुआ है, अब कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अब मैं जाऊँगा तो 9:30 बजे पहले पहुँचूँगा नहीं, अगर ऐसे शेयरिंग में जाता हूँ, यही एक ऑप्शन बचा। 5 मिनट का प्लान सारा चेंज हो गया। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, तब चाहे जिंदगी है। तो गाइस हम टाइम से पहले आ चुके हैं अपने साइट पे और हम अभी बैठे हुए हैं साइट के स्टोर रूम में। आप लोग देख सकते हो ये सारा अपना स्टोर रूम है, यहाँ पे सारे फायर सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं। तो गाइस हम टाइम से पहुँच गए, रैपिडो को थैंक यू, क्योंकि रैपिडो है कि हम टाइम से पहुँच गए, नहीं तो हमें 1.5 घंटे लगने वाले थे, हम 9:30-10 बजे के पहले नहीं पहुँचते, लेकिन हम टाइम से पहुँचे हैं। तो गाइस चलिए अभी आ जाते हैं, उनको सामान वगैरह दे के फिर रूम पर चलते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। ये सब है बत्तख और यहाँ पे हमको मिल गई, हम यहाँ से सही पथ पे आ रहे थे दूसरी साइड पे। तो गाइस चलिए अभी बात करते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलके, पहले आप लोग बत्तख देख लीजिए, ये हैं 6-7 बत्तखें और अभी चल रहे हैं सही पथ के किनारे किनारे चल रहे हैं। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। सब हम कियारा रेजिडेंसी पहुँच गए थे और वहाँ से हमें जो है सामान लेके कुछ आना था इधर शालीमार, तो शालीमार आ गए हैं अभी स्टोर में बैठे हुए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। पता गाइस रोज़ जब चेंजेस होता है ना कि आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, आज वहाँ काम करना है, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें बिल्कुल जाने का कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और इसलिए हम स्टोर में बैठे थे। और अभी यहाँ से शाम को निकलेंगे गाइस, तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से शाम के टाइम, तो तब तक के लिए बाय बाय। हम आ चुके हैं यहाँ कियारा पे और यहाँ पे जो है एक पंप लगाना था इस हाउस को खाली करने के लिए, हमने लगवा दिया है और अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, अभी शाम के बज गए हैं 7, तो गाइस देखते हैं कितनी देर में खाली होता है तभी हम फ्री हो पाएंगे। और बारिश का हाल ऐसा है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की। के बज चुके हैं 8 और हम आए अभी अभी साइड पे, तो गाइस जो हमने पंप लगवाया था उस हाउस में, उस हाउस से जो है पंप को निकालना है, तो अभी 10-15 मिनट लगेगा पानी खाली करने में, पानी खाली कर लेता उसके बाद जो है मैं अजय को फ़ोन करूंगा, अजय जो है अभी रूम पे सब्जी वगैरह बना रहे हैं, तो अजय को फ़ोन करूंगा, वो आएंगे निकालेंगे। तो गाइस चलिए वेट करते हैं और पानी खाली करेगा, अभी जो है हम साइड पे हैं, पानी खाली करेगा इस साइड जो लगा हुआ पंप, और पानी खाली करने के बाद फिर हम निकालते हैं। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और हमें ये पंप निकलवाना है, अभी पंप निकलवा के उसके बाद हम चलते हैं रूम पर, हमें इस पंप को निकलवा के उसके बाद हम रूम पे जाएंगे, सब्जी वगैरह बन गई है अजय भाई बोल रहे थे। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं चैनल पर नया हूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।